ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 दिसंबर 2020, सोमवार का दिन है। अघन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि धनु राशि में, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष सिंह तुला धनु मकर और कुंभ, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा। पदोन्नति भी इनकी हो सक्ती है। व्यापार में कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी तथा इनके लिए फायदेकारक दिन साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चलकर आपको ही फायदा देगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित अंजाम देने में सक्षम रहेंगे, परंतु दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक आपके द्वारा कोई गलती हो सकती है जिससे नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने कार्यों के प्रति आपको समर्पित तथा ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। उपाय के रूप में भगवती दुर्गा जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें आएगी, परंतु आप अपने आत्मविश्वास व दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। अनावश्यक खर्चों की स्थिति बनी रहेगी। अपने बजट पर आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को कॉम्पिटिशन संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। इस समय ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम है। आपके आत्मविश्वास व कार्यक्षमता को और अधिक बल प्रदान करेंगे। किसी मूल्यवान धातु की खरीदारी हो सकती है या कोई ग्रह उपयोगी विशेष वस्तु भी आप घर में ला सकते हैं तथा किसी सामाजिक उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का योग है। नया वाहन, नई भूमि, नया घर खरीदने के विषय में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय थोड़ी सी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। आपके अपने प्रति कुछ नया करने की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। भाग्य आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेगा। अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य ही सफलता प्रदान करेगा। किसी प्रियजन, रिश्तेदार, मित्र से मुलाकात होगी। लंबी चर्चा होगी। जो चर्चा होगी आगे चलकर आपको ही फायदा देगी, परंतु जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय करने से दिक्कत आ सकती है। ज़्यादा रोक टोक की वजह से बच्चे आपके खिलाफ जा सकते हैं, इसलिए अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना आवश्यक है। समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का है। उपाय के रूप में मीठा दही शंकर जी को चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
ग्रहों की स्थितियां अनुकूल है, आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से प्रारूप देने में सक्षम रहेंगे। किसी नज़दीकी व्यक्ति से मुलाकात या चर्चा होगी तथा महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। धार्मिक संस्था में सेवा संबंधी कार्यों में उचित समय आपका व्यतीत होगा। किसी भी शासकीय कार्य को अपनी जिम्मेदारी से जो है न हटाएं, लापरवाही की वजह से अधूरा भी न छोड़े, क्योंकि किसी तरह की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। दूसरों के व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का कोई भी फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इस दिन भाग्य और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों जगह आपका वर्चस्व बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी इन कार्यों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अनावश्यक खर्च आपके सामने आ सकते हैं। अगर विदेश संबंधी कोई योजना बन रही है तो अभी स्थगित रखना ही उचित रहेगा। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा, भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज का दिन कुछ मिला जुला प्रभाव ला रहा है। किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार या सूचना आपको प्राप्त होगी, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। इस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। नया वाहन, नया घर, नई जिम्मेदारी या कोई भी ऐसा नया काम आपका होने वाला है जिसका बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी और कुछ बड़े बड़े ऑर्डर भी आपको व्यापार में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु काम को समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। रुका हुआ पैसा भी अचानक आपको मिलने वाला है तथा आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको फायदा होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। मित्रों, रिश्तेदारों या परिचित लोगों से कोई ऐसी सलाह प्राप्त होगी जिसके कारण आपको अच्छा फायदा हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने पीने की कोई भी वस्तु का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी तथा उनके मार्गदर्शन में कई मुश्किलों का निवारण होगा। रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य आपको पढ़ने में जो है विशेष रुचि रहेगी। पुराने मित्रों के साथ मेलजोल खुशनुमा यादों को ताज़ा करेगा। किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर मन में उदासी रह सकती है। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि चुकाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहेगी, इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। कैरियर से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको आ सकती है, लेकिन आप अपनी व्यवहार कुशलता से सभी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर लेंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें। उपाय के रूप में यदि आप लाल रंग के कुमकुम का तिलक हनुमान जी को लगाएंगे या हनुमान जी को कुमकुम चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपका अपने व्यक्तित्व व रहन सहन के प्रति सजग रहना मित्रों व सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा। समाज में आपकी छवि और अधिक निखरेगी। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा। इस समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें। किसी को उधार पैसा न दे, अन्यथा आपका पैसा उलझ जाएगा। साथ ही आपके साथ धोखा भी हो सकता है। आर्थिक परेशानी में आप उलझ सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन संबंधी खरीद फरोख्त करते समय दस्तावेजों की अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में पीला चंदन माता महालक्ष्मी को चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम करें। परिस्थितियां आपके पक्ष में पूर्णतः है। बच्चों की किलकारी संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल निर्मित होगा। अटके हुए रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। और उपाय के रूप में
काली गाय को काले तिल खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। घर के नवीनीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। किसी सामाजिक गतिविधि में आपका महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप घर में नया वाहन, नया घर या नई वस्तु खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दिन बहुत अनुकूल है, परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम और संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अपने व्यवहार और विचार में बदलाव लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप मीठा दूध किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श होगा तथा बच्चों के विषय में भी उत्तम जो है निर्णय आप कर पाएंगे। बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई कार्ययोजना तैयार होगी और आपके कार्यों की सराहना होगी, लोग आपको पसंद करेंगे। भूमि संबंधी कार्यों में निवेश करने की यदि प्लानिंग चल रही है तो तुरंत अमल करें, परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। धन लाभ होगा, रुके हुए पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऑफिस में माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप बेसन से बनी कोई भी मिठाई भोजन के साथ उपयोग करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।